अगर आप भी आईफोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों, अगर आपके पास भी पैसा नहीं है तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को हम बताएंगे एक ऐसी लॉन्चर के बारे में जो कि आपके मोबाइल को एकदम बहुत ही बेहतरीन लुक देगा iOS जैसा। तो दोस्तों, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर वीडियो को लास्ट में आपको हम बता देंगे कि आपको वो एप्लीकेशन को कहां से डाउनलोड करना है। चलिए उस लॉन्चर को ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर से आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद आपको क्या क्या करना है फास्ट, तो यहाँ पर से आप स्टेप बाई स्टेप देखिएगा इस वीडियो को, तभी आपको कुछ भी समझ में आएगा। तो इस एप्लीकेशन आईफोन 13 लॉन्चर है। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन का आप काम देख लीजिए, उसके बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। तो यहाँ पर से देख सकते हैं स्विच द वॉल पेपर, आप कौन सा वॉल पेपर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर से हम ये वाला को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही लोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पर अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है। अलाउ करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह के इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ओके इनेबल द कर देना है क्लिक, ठीक है। जैसे ही आप इनेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आपको आ जाएगा डिस्प्ले ओवर द अनदर ऐप, ठीक है। यहाँ पर से कर देना है ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर से कर देना है बैक, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर बैक कर देंगे, बैक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके इनेबल नाउ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को एक्सेस पक्का दे दीजिएगा, ताकि एक्सेस देने से आपका मोबाइल में ये अच्छी वर्क कर पाए, ताकि आपके मोबाइल में वो लुक दे पाए। तो यहाँ पर से फिर से आपको आ जाएगा, आपको इस तरह का इंटरफेस शो दिखेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर से हम कर देते हैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि जो हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट किए थे, वो सारे बैकग्राउंड आ चुका है। आप एकदम देख सकते हैं आईफोन 13 जैसा लॉन्च एकदम बहुत ही मस्त और बेहतरीन एकदम लुक देने लगा है आपका मोबाइल, या फिर आप मेरा मोबाइल देख सकते हैं। और अगर आप भी डाउनलोड कीजिएगा तो आपका मोबाइल भी इसी तरह का लुक देगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में डाउनलोड करने से पहले इस एप्लीकेशन का काम तो बेहतरीन से देख लीजिए। तो यहाँ पर से आपको कर देना है क्लिक क्लिक, ठीक है। इसके बाद कर देना है यहाँ पर से क्लिक, तो यहाँ पर से आपको कर देना है क्लिक क्लिक, ठीक है। यहाँ पर से कर देना है सही, ठीक है। उसके बाद कर देना है अलाउ, फिर कर देना है कैंसिल, फिर कर देना है ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर कर देना है अलाउ। उसके बाद यहाँ पर से देख सकते हैं बहुत सारे ऐप मिल जाएगा। यहाँ पर से आपको ये एप्लीकेशन का सेटिंग मिल जाएगा, यहाँ पर से आप सेटिंग भी कर सकते हैं। सेटिंग करने के लिए आप यहाँ पर से देख सकते हैं सेटिंग, ठीक है। सेटिंग तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर से आप जो भी करना चाहें तो यहाँ पर से कर सकते हैं। यहाँ पर से यह देख सकते हैं, यह देख सकते हैं किस तरह से इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर से हम कर लेते हैं रोटेस, या फिर ये कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से हम कर लिए हैं और यहाँ पर से हम ये सेट कर लिए हैं। उसके बाद डिस्प्ले पर सेट करते हैं कि क्या क्या डिस्प्ले में मुझे मिला है। तो यहाँ पर से आप साइज भी देख सकते हैं, 5-6 हम वह रहने देते हैं। यहाँ पर नेविगेशन बार पर फुल रहने देते हैं। यहाँ पर से आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर से बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर से चेंज कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर से हम पूरा चीज़ को चेंज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं नोट्स, यहाँ पर कर देते हैं वॉलपेपर। यहाँ पर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कट करना है तो यहाँ पर से कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन को भी आप कर सकते हैं पैटर्न, या फिर यहाँ पर से भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर से कुछ इस प्रकार से कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर से ऑन कर दीजिएगा, ताकि यहाँ पर से आपको इस तरह का आइकन मिल पाएगा। तो यहाँ पर से आपको कर देना है बैक। उसके बाद बैक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस फिर से लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने देते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो लोडिंग लेगा, तो लोडिंग लेने देते हैं। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपको वेट कर लेना है, थोड़ा सा के लिए वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह का आइकन भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि आइकन एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका मोबाइल को लुक देते हुए। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको होम स्क्रीन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर से आपको वाइट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर से मिल जाएगा। तो यहाँ पर से हम कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर से कर देना है लॉक्ड, यहाँ पर से कर देना है लॉक्ड, यहाँ पर से कर देना है ओके, ठीक है। तो यहाँ पर से कर देते हैं रिमूव। से यहाँ पर से इसी तरह से इंटरफेस शो होगा आपके मोबाइल को। तो यहाँ पर से आपको अगर सेटिंग में जाकर सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर से अगर आप ऑफ़ कर दीजिएगा तो ये सारे ऑफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम कर देते हैं बैक। बैक करने के बाद आपको यहाँ पर से फिर से सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद जो एप्लीकेशन में आप वहाँ पर सेटिंग किए थे
वो आपको सेट कर देना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम सेटिंग किए थे ये सारे हो चुका था और यहाँ पर हम पाँच कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से आप कुछ कर पाइएगा सेट करने के लिए, आपको कुछ इस प्रकार से कर पाइएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर से आपको कर देना है अप्लाई। ठीक है, तो अप्लाई कर दिए, तो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसा ही आपका अप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि मेरा iOS लॉन्चर, iOS लॉन्चर जैसा आपका मोबाइल भी दिखने लगेगा और आप भी दिखने लगेंगे। तो देखते हैं आपका मोबाइल किस तरह से वर्किंग करता है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है आपको ये लॉन्चर अपने मोबाइल में सेटिंग करके और आपके मोबाइल में सेटिंग करवा के? तो दोस्तों करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पर से आप देख सकते हैं यहाँ पर से करेंगे क्लिक तो आ जाएगा ये सारी एप्लीकेशन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक देगा आपके मोबाइल के अंदर में। यहाँ पर से क्लिक करके यहाँ पर कर दीजिए। तो ये रहा सारी एप्लीकेशन। अब आपको यहाँ इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है वो आगे चलकर हम बता देते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं, अब डाउनलोड कैसे करना है तो वो हम बताते हैं कि कैसे क्या करना है। तो आपको अब प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर से लिख देना है OS लॉन्चर, तो यहाँ पर से आ जाएगा इसी प्रकार से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।